अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग चारों खरीत होंगे और हम लोग अल्लाह का शुक्र और आज हम जे सी बी का स्विंग जैक जो है क्रिकेट डाल रहे हैं। इसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम थी ये रिंग इसका लीक था, ये वाला रिंग, ये जो सिलेंडर का कवर है इस कवर के अंदर ये रिंग आता है, यहाँ पे गेट के नीचे इस एरिए में रिंग आता है और यहाँ से वापस हटाने की बाहर लीक होता था और रिंग हमने इसके अंदर डाल दिया और रिंग ये वाला। तो ये दूसरे सिलेंडर को सेम ही है, आम बाकर सिलेंडर, बूम सिलेंडर, लेकिन थोड़ी इसके अंदर जो है दूसरे सिलेंडर से चेंजिंग है क्योंकि ये स्विंग सिलेंडर है। तो माने वाला इसके अंदर जो ये वाल लगा हुई है, मेन टी भी है और वाल भी है, कंट्रोल वाल भी है और मेन टी भी है, इसके रियर साइड पर लगती है यहाँ पर। इसका काम एक तो ये है कि एक तो ये हाइड्रोलिक जब राइट साइड को स्विंग करता है तो फिर इसके अंदर हाइड्रोलिक आता है, जैक ये पूरा खुलता है बाहर, मशीन की जो स्विंग है वो राइट साइड पे चली जाती है। जब लेफ्ट साइड पे करते हैं फुल, तो लेफ्ट साइड पे जब फुल करते हैं तो ये चीज़ जो है, ये इसका राड जो लंबा है, ये इसके अंदर जब आके यहाँ पे आके जब टच होता है इसको, इस जगह पर टच होता है तो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक यहाँ से बाहर निकल जाता है। हाइड्रोलिक जब बाहर निकलता है तो फिर वापस जो है रिटर्न टैंकी में चला जाता है, जिस वजह से कोई हाइड्रोलिक का पाइप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है या सील वगैरह फटने से बच जाता है। ये मेन इसका कंट्रोल वाल भी है और ऑयल वाली चीज़ भी है, दोनों काम है इसके अंदर। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी है, ये सुराख जो है कंट्रोल वाल का काम करते हैं और ये जो मेन टी लगी हुई है रिटर्न का वाल, रिटर्न वाल का काम करते हैं। राइट साइड पर फुल स्विंग करते हैं, जब टच होता है फुल जैक जो, या जैक फुल कंट्रोल हो, जब फुल बंद हो जाता है तो उस टाइम इसे हाइड्रोलिक जो है टैंकी में चला जाता है। और अब जो है इसको फिट करने का तरीका कार ये है कि सीले इसकी डाल दी हैं, ये दो हेल्पर से गार्ड सीले हैं, ये वाली दोनों बड़ी वाली, और इसके अंदर सेंटर में जो है हेल्पर सील है, ये दोनों हटराले, तीनों हटरालिक सीले हैं। तो अभी इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद इसके बाद आपको इन सारे साथ साथ जानकारी देंगे। इसको लगाते वक्त ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि रिंग वगैरह कुछ टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए। ये सिलेंडर बोर है, इसके अंदर भी ऑयल, जैक हमारा कंप्लीट हो गया। और जैक को खोलने का तरीका कार जो है, सबसे पहले ये वाली प्लेट खोलनी है, ये प्लेट एक दो तीन, तीन बोल्ट ये हैं, तीन उस साइड पे बोल्ट हैं, ये प्लेट खोल के इस प्लेट को थोड़ा ऊपर उठा लेना है, ऊपर उठा के उसके बाद ये काटर निकाल के ये पिन निकाल लेनी है, ये पिन ये नीचे निकलेगी नीचे वाली साइड पर, पिन निकाल के जैक को पीछे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद ये वाला पीछे हाइड्रोलिक का पाइप है, मेन कंट्रोल वाल वाला, ये पाइप खोल लेना है। इसके साथ एक अंदर भी पाइप है, वो भी पाइप खोल लेंगे। वो खोलने के बाद फिर जैक को यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाना है, ऊपर उठा कर आराम से जैक बाहर निकल आएगा। इस बार मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जैक लगा दिया, अभी स्टार्ट करेंगे।